everyone, this is Amarendra. Welcome back to my channel. Videos regular basis में post करके जा रहा हूँ. आप लोगों ने comments दिया है, like किया है. Thank you so much all of you. So guys, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ food and beverage service department के बारे में. मैंने जो पहले video बनाया था उसमें मैंने housekeeping और front office department के बारे में already बताया था, but उसके बीच में मैंने कुछ अलग अलग सा video बनाया था, like कोविड के बाद रेस्टोरेंट का रेगुलेशन क्या होगा, कैसे रेगुलेशन का नॉर्म्स क्या होगा, उसका रेस्पॉन्सेस क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में. तो जो डिपार्टमेंट का जो मैंने बात कर रहा था तो वो बीच में मैंने वीडियो उसके लिए नहीं बनाया था. तो आज मैं वापस वो ट्रैक में आ रहा हूँ. आज मैं जो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताने के लिए जा रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, फूड एंड बेवरेज जो डिपार्टमेंट है मुझे अभी कहने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि फूड एंड बेवरेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है वहाँ पे आदमी लोग घंटे से घंटा काम करता है, बहुत मेहनत करता है, बट फिर भी अब जो डिपार्टमेंट है बहुत ही लाइवली डिपार्टमेंट है. वो उसमें कैरियर जो है काफ़ी लोग होटल मैनेजमेंट करके या कैरियर वो लोग स्टार्ट करके वो डिपार्टमेंट में घुसना चाहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है फूड एंड, उसमें आउटलेट्स काफ़ी सारा होता है. और जो कहते हैं ना, एक होटल का जो सर्विसेज होता है, रेस्टोरेंट का सर्विसेज जो होता है, वो लोग प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, उस तो एक मेमोरी बिकते हैं गेस्ट को. तो इसमें जो फूड एंड बेवरेज सर्विस जो डिपार्टमेंट है स्पेशली, बहुत बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पहले तो ये फूड एंड बेवरेज होता क्या है, सिंपल सा वर्ड, फूड एंड बेवरेज सर्विस, जो लोग आपको फूड एंड ड्रिंक सर्व करता है वही वो डिपार्टमेंट का मेजर काम होता है. होटल का एक जो एरिया होता है उसमें कोई सा भी एरिया हो, जहाँ से भी फूड और बेवरेज जो सर्व होता है, बेवरेज आप अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, कुछ टाइप का जहाँ पे सर्विस करने का काम होता है, उसी पे फूड एंड बेवरेज जो डिपार्टमेंट है उसका काम होता है. उसका काफ़ी सारा आउटलेट्स है, रेस्टोरेंट बहुत ही पॉपुलर आउटलेट्स है, कॉफ़ी शॉप हो गया, बार हो गया, बैंक्विट हो गया, देन केक शॉप उसके अंदर आता है, इन रूम डाइनिंग आता है, आउटडोर कैटरिंग जो है वो आता है, देन क्लब्स वगैरह उसके अंदर आता है. तो आप देख लो एक ही डिपार्टमेंट का कितना सारा आउटलेट्स है, और वो डिपार्टमेंट का जो मैन पावर है उसका कितना रिक्वायरमेंट होगा, वो डिपार्टमेंट कितना बड़ा होगा, जो फूड एंड बेवरेज मैनेजर है और जो डायरेक्टर है उसका कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक गेस्ट को जाके हर एक एसोसिएट को कैसा सर्विस देते हैं, क्या कंप्लेन आता है उन लोगों से, उसका क्या फीडबैक क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स गेस्ट एक फाइव स्टार होटल में आएगा या तो एक लग्जरी होटल में आएगा, उस पर वो लोग सिर्फ तो खाना खाने के लिए नहीं आते हैं, उसमें जो एक्सपीरियंस है वो कैप्चर करने के लिए आता है. और जो पर्सनल टच देना होता है हर एक गेस्ट को, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना, डिशेज कस्टमाइज करना, उसको सर्व करना उसका हिसाब से, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसमें मुझे दिखाई देता है. और ट्रस्ट मी गाइस, जो लोग इसको सर्विस करते हैं ना, वो लोग कभी भी स्ट्रेस लेते नहीं है. उन लोगों को एक ही मोटिव होता है, गेस्ट कैसे एक अच्छा मेमोरी हम लोगों से लेके जाए. वो लोग टाइमिंग घड़ी देख के वो लोग काम नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा एक गेस्ट को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए कोशिश करते हैं हर एक एंगल से. ये जो डिपार्टमेंट है उसका हायरार्की कैसे टाइप का होता है, देखो पहले जो इंडस्ट्री में ज्वाइन किया वो डायरेक्टली मैनेजर में तो कोई ज्वाइन नहीं कर सकते, उसको पहले जो एंट्री लेवल होता है उसको हम लोग एसोसिएट बोलते हैं, फूड एंड बेवरेज एसोसिएट. उसका डिफरेंट वर्ड भी हर टर्म्स में यूज होता है, जैसे स्टीवर्ड हो गया, वेटर हो गया, ये सब भी उन लोगों को बुलाया जाता है, बट जो होटल वाला जो मेन जो टर्म्स यूज़ करते हैं उसको फूड एंड बेवरेज एसोसिएट. देन नेक्स्ट लेवल हो गया आपका कैप्टन या तो सुपरवाइजर, बेसिकली जो एफ एम बी सर्विस के अंदर उसको कैप्टन बोला जाता है, बट एक सुपरवाइजर उसके अंदर एक टीम आता है. देन हो गया आपका एग्जीक्यूटिव लेवल, देन हो गया आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल, देन हो गया एक आउटलेट का जो मैनेजर है उसका, जैसे अगर बैंक्विट एक आउटलुक किसी के अंदर आता है तो वो बैंक्विट मैनेजर हो गया, एक रेस्टोरेंट आता है तो एक रेस्टोरेंट, देन उसको ओवरऑल जो पूरा डिपार्टमेंट एच ओ डी से या पूरा डिपार्टमेंट है एक बंदा को रिपोर्ट करना पड़ता है, वो हो गया आपका एफ एम बी मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर, वो पूरा डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है. एफ एम मैनेजर के बाद डायरेक्टर ऑफ एफ एम बी भी होता है, और कोई कोई जगह डायरेक्टर ऑफ इवन आजकल आउटलेट का भी डायरेक्टर होता है, जैसे रेस्टोरेंट डायरेक्टर एंड बैंक्विट डायरेक्टर, तो ऐसा भी. तो इस डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितना बड़ा साइजेस का हो उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसी हिसाब से वो हायर की होता है.
जो लोग एक्चुअली गैस को सर्व करता है वो ऐसा नहीं है, मतलब एसोसिएट है वही गैस को सर्विस करना होता है। मैंने कभी काफ़ी सारा होटल देखा है, होटल का जो जीएम जनरल मैनेजर है वो भी जब ज़रूरत पड़ता है, जब ज़्यादा क्राउडेड होता है वो भी जाके टेबल में जाके सर्व करता है, क्योंकि ऑल अबाउट ये सर्विस होता है। ऐसा नहीं है तुम एसोसिएट हो, तुम एफएमबी मैनेजर हो, ये हो, बट मैक्सिमम चीज़ें अगर कोई उसमें भीड़ भाड़ नहीं है या तो नॉर्मल जो रेगुलर जो क्राउड है वो हो रहा है, तो एसोसिएट मेजरली गेस्ट को सर्व करता है, देन जो सुपरवाइजर और कैप्टन वो लोग उसको हेल्प करता है, और जो मैनेजर लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल ये लोग भी गेस्ट के सामने आते हैं, उन लोगों का फीडबैक लेता है, कोई खाना कैसा गया या तो कोई उन लोगों को एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाहिए और कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना है और कुछ उन लोगों को लगता है मीन्स खाना को ज़्यादा हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, ये सब के चीज़ें में वो लोग फीडबैक लेता है। बट मेजरली जो कैप्टेंस एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट ये लोग गेस्ट सर्विस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो इन लोगों का जो सर्विसेज में खुश होकर उन लोगों को काफ़ी सारा टिप्स मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, सर्विस चार्जेस होता है, तो ये प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी ये डिफर करता है। तो टिप्स ऑफकोर्स गेस्ट खुश होके किसी को पैसा देके गया, ये देके गया, या तो कोई एक काइंड ऑफ एप्रिसिएशन अप्रिसिएट करके गया, तो टिप्स बहुत कम आता है। देन इंसेंटिव, यस, कोई एक होटल का कोई एक वाइन का बोतल है वो आप बिक सकता है, तो उसको कुछ इंसेंटिव जाता है पूरा डिपार्टमेंट को, या तो स्पेशल जो एसोसिएट भेजा है उसको जिस हिसाब से वो लोग डिज़ाइन करते हैं, कोई प्रीमियर डिशेज है उसको आप सेल कर सकते हो, तो जो इंसेंटिव होता है, तो ऐसा सारा काफ़ी सारा जो सैलरी के ऊपर भी उन लोगों का अलग अलग इनकम सोर्स है। तो कोई अगर ऐसा चाहता है मीन्स होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करे, सैलरी इतना कम है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई कोई ऐसा जो स्टीवर्ड लोग होता है वो लोग तो सैलरी से भी ज़्यादा वो लोग टिप्स सर्विस चार्ज इंसेंटिव ये सब कमाता है। और कोई एक होटल में जो रेगुलर गेस्ट होता है, ऐसा भी कोई गेस्ट होता है जैसे मुझे ये बंदा को सही सर्विस करवाना है क्योंकि इसका जो सर्विस जो प्रोसेस है मुझे सही लगता है, तो उन लोग जब आते आते हैं तो उन लोग ऑब्वियसली जो बंदा उन लोगों को सर्विस करता है तो उन लोगों को खुश होके कुछ ना कुछ उन लोग टिप्स या तो कुछ ना कुछ अप्रिशिएट वो लोग करके ही जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोला वो लोग होटल वाला हमेशा एक मेमोरी सेल करता है, वो लोग प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, इट्स ऑल अबाउट द सर्विस। फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को जो सर्विस होता है, गेस्ट होटल में आया या तो एक आपका रेस्टोरेंट में आया उसका सर्विस साइकिल कैसा होता है। जैसे पहले पकड़ लेता हूँ मैं टेबल सर्विस का साइकिल कहता है, पहले गेस्ट आपका रेस्टोरेंट में घुस गया वो कहता है मुझे टेबल से ऑर्डर देना है और मुझे टेबल से सर्विस लेना है, मैं उठ के नहीं जाना चाहता हूँ। तो पहले तो गेस्ट आया उसको ग्रीटिंग्स प्रायर रिजर्वेशन ऑफ कोर्स उसको करना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं चलता आपको रेस्टोरेंट में टेबल मिलेगा नहीं, नहीं तो प्रायर रिजर्वेशन एक अलग रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है वो लोग देखते हैं, या तो जो होस्टेसेस होते हैं वो लोग देखते हैं। जैसे उसने रेस्टोरेंट में स्टेप इन किया है तो उसका ग्रीटिंग स्टार्ट हो गया, मतलब जो होस्टेस हो गया या तो कोई भी रेस्टोरेंट का बंदा उसको एस्कॉर्ट करके लेके जाएगा उसके लिए जो पार्टिकुलर टेबल बुक थे वहाँ तक, देन उसको एक जो टेबल ऑलरेडी सेटअप लगा हुआ है उसमें उन लोगों को बिठाएगा, देन उसका ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लेने के बाद वो लोग किचन को ऑर्डर देगा, देन किचन से वो खाना पिकअप करके गेस्ट को प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइड करने के बीच बीच में वो लोग सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो चेक करके रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है क्या उसके बारे में पूछते रहेगा, देन जैसे खाना ख़त्म हो गया उसका जो पेमेंट है वो क्लियरेंस करना, या तो पेमेंट लेना मीन्स कोई भी मोड से कैसे उसको सेटल करना है उससे लेना, देन एंड ऑफ द टाइम उसका फीडबैक लेना उसको सर्विसेज कैसा लगा उसको, और कुछ इन फ्यूचर उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, किसी में कुछ ज़्यादा ज़रूरत था, किसी में जो टेस्ट लेवल है अलग से उसको बनाना है, वो सब रिकॉर्ड होता है हर एक चीज़ के अंदर। देन जैसे ही गैस उठ के चला गया उसके बाद वो टेबल को वापस नेक्स्ट जो गैस है उसके लिए सेटअप कराना, ये हो गया जो टेबल सर्विस है उसका पूरा साइकिल। देन नेक्स्ट आता है जो बफेट सर्विस है, बफेट सर्विस में आपको गेस्ट को जैसे स्टेप इन किया उसको ग्रीटिंग्स करना तो होता ही होता है, एक टेबल में डेजिग्नेटेड जो टेबल है उसमें ना, तो उसको अगर पसंद है नहीं मुझे खाना यहाँ से नहीं लेना है मुझे बुफे से लेना है, तो ऑफ कोर्स बुफे से जो होता है उसमें मैक्सिमम होटल जो फ्रेंड्स क्लासिकल मेनू का जो 17 कोर्सेज में ये सब फॉलो करता है, या तो कस्टमाइज भी होता है उसमें, बट उसमें आप स्टार्टर से लेके मेन कोर्स से लेके डेजर्ट से लेके इवन कोई कोई जगह में एक ड्रिंक वगैरह भी इंक्लूड होता है, सो सब कुछ वहाँ पे इंक्लूड होता है।
बट कोई कोई गेस्ट चाहता है मतलब स्टार्टर वगैरह उसको टेबल पे पसंद करे, यस। बट उसका एक सेटअप जो है वो बुफे में भी होता है। अगर गेस्ट को कोई हेजिटेट नहीं है बुफे से आके उठ के लेके जाना, वो भी वो लोग कर सकते हैं। या तो गेस्ट बोले नहीं मुझे ये वाला प्लेटर मुझे यहाँ पे आके दे दो, क्योंकि बुफे का जो रेट होता है वो फिक्स रेट होता है। उसमें आपको ज़्यादा भी खाओ उतना ही रेट देना पड़ेगा, कम भी खाओ उतने, बट आपको कैसे खाना है वो डिपेंड करता है। तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें भी टेबल सर्विस नहीं होता है, टेबल सर्विस उसमें भी होता है। बट जो बुफे का अंदर जितना भी मेनू होता है मतलब बुफे का जो स्प्रेड होता है वहीं से उसको खाना लेना पड़ेगा। अगर उसको अलग से कुछ ऑर्डर करेगा देन दे हैव टू पे एडिशनली। ये हो गया बफेट सर्विस का जो साइकिल। देन उसका अगेन बिल क्लियरेंस कराना, फीडबैक चेक करना, सेटिस्फेक्शन लेवल जो चेक करना वो करना पड़ता है। देन अगेन गैस उठ के चला गया, जो खाने का जो टेबल है वो सब क्लियर क्लियर करना। और बेसिकली एक बहुत ज़्यादा आदमी को अगर बल्क में आपको सर्व करना है तो हर लोग सजेस्ट करते हैं आप बुफे ही ले लो। देन इन रूम डाइनिंग का जो सर्विसेज होता है, इन रूम डाइनिंग का सर्विस थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, क्योंकि इन रूम डाइनिंग गेस्ट आता है वो ना ही वो रेस्टोरेंट में आए या कोई दूसरा आउटलेट में जाके खाना खाए, वो पसंद करता है मुझे खाना जो है वो मेरे रूम में डिलीवर कराओ। तो जहाँ पे उसका कॉल लेना होगा ऑर्डर देने के लिए, उसका एक ऑलरेडी उसका रूम में डिजिटली हो या तो मैनुअली हो एक मेनू रहेगा, उससे वो अगर ऑर्डर करना चाहते उसको फ़ोन करना पड़ेगा एक जगह में, तो उसको फ़ोन में ऑर्डर ले लिया जो भी बंदा है उसने ले लिया, वो खाना वहाँ से उठा के बेसिकली अगर जब बहुत ज़्यादा खाना है रूम में सर्व तो उसको ट्रॉली यूज़ करता है, अगर नहीं है देन सर्वर से वो लोग लेके चला जाता है, ताकि उसके रूम में जो एक डेजिग्नेटेड जगह है जहाँ पे वो खाना पसंद करेगा। बेसिकली हर रूम में एक टेबल होता है, या रीडिंग टेबल हो या तो एक जो कॉफ़ी टेबल हो रहता ही है। अगर स्वीट रूम उसने बोल गया उसका सेपरेट एक डाइनिंग एरिया भी मिल जाता है, तो जहाँ पे वो खाना खाना पसंद करेंगे या तो वो चाहता है मुझे सर्व करके दो या तो मुझे नहीं चाहता है रख के चला जाओ मैं अपने आप ले लूँगा। बट उसका भी सेम जैसे चाहता है गेस्ट को सर्व कराना तो होता है, आफ्टर डेथ उसका जैसे ही खाना ख़त्म हो गया वो बोलेगा मेरा रूम से वो जो खाना वगैरह है प्लेटर्स वगैरह है जितना भी कुकरी हो या कटलरी हो ये सब मेरे रूम से क्लियर करा दो। तो वो एक देखने जगह में वो फ़ोन करेगा, अगेन वो बंदा आके उसको क्लियरेंस देगा, बिल सेटलमेंट करेगा, सेटिस्फेक्शन जो है वो सेफ ये करेगा चेक करेगा, सेम सेम साइकिल पे होता है। बट उसका खाना जो सर्विस है उसका थोड़ा सा अलग सा होता है। देन आउटडोर कैटरिंग भी एक उस पॉपुलर ये है। आउटडोर कैटरिंग का आजकल क्या होता है, जैसे कोई लोग आता है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होटल के प्रीमाइज के नहीं बाहर, बट वो आता है वो खाना वो जगह से वो लोग डिलीवरी ले ले, वो होटल से डिलीवरी ले ले। तो आउटडोर कैटरिंग का पहले उन लोग को ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि एक बल्क में खाना बनता है और उसका एक अलग सा टीम ही होता है आउटडोर कैटरिंग का। तो वो लोग खाना क्या करते हैं पहले से प्रिपेयर करते रहेगा, वो लोग को पूछेगा खाना उन लोगों को कैसे चाहिए, पैक करके चाहिए या खाना वहाँ पर जाके सर्व करना है किसी को, क्योंकि सर्व कराना है देन वहाँ पर फिर से जो जगह में खाना सर्व कराना है उसमें उसको टेबल वगैरह सेटअप करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से वो लोग सामान एक गाड़ी में लेके जाएगा, जाके होटल से जितना भी बंदा मैक्सिमम चाहिए होगा वो लोगों को सर्व करने के लिए कैनोपीज वगैरह या तो जो भी टेंट वगैरह ये सब वो लोग लेके जाके वहाँ पे खाना एक डेजिंग जहाँ पे वहाँ पे सर्विस करेगा। और अगर नहीं चाहते मुझे पैक फूड ही चाहिए तो पैकिंग फूड बस पैकिंग करके वो लोग डिलीवरी दे देता है। तो ये हो गया आउटडोर कैटरिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें सो फूड एंड बेवरेज जो डिपार्टमेंट होता है ये मेजरली उन लोगों का काम होता है, और भी काफ़ी सारा काम होता है, मीन्स इंटरनली होता है। मैं जो एक्सटर्नली जो गेस्ट को जो सर्विस देता है मैं उसके बारे में आज आप लोगों को बताया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह से और वीडियो बना के जाऊँगा इन फ्यूचर। गाइज कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Have a good day.